वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, आई स्टडी ऑनलाइन में मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हम चर्चा कर रहे थे अपने मैकेनिक्स के पार्ट के ऊपर, और मैकेनिक्स के पार्ट में अपन ने लास्ट क्लास में इसका बेसिक्स के बारे में देखा था, मैकेनिक्स इसके बेसिक्स के बारे में देखा था। और मैकेनिक्स में अपना जो पार्ट चल रहा था वो चल रहा था डायनेमिक्स का, ठीक है। जो मैकेनिक्स में अपना पार्ट चल रहा था वो डायनेमिक्स का चल रहा था, यानी कि गति विज्ञान का चल रहा था आज। और लास्ट क्लास में अपन ने रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम बात करेंगे मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन यानी कि समतल में गति, समतल में गति। और इसके अंदर अपना जो पहला जो टॉपिक आता है वो आता है वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन पैरेलल टू द एक्सिस, यानी कि एक्सो के सापेक्ष वेग और त्वरण, ठीक है। एक्सो के सापेक्ष या एक्सो के समानांतर अपने वेग और त्वरण हमें निकालने हैं। तो देखना, इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्लेन की बात कर रहा है, मोशन इन प्लेन, प्लेन की बात कर रहा है। तो सबसे पहला काम अपना क्या होगा कि मान लो आपको कोई प्लेन दिया हुआ है, ये कोई प्लेन एक्स ओ वाई है, ठीक है। तो लेट ए प्लेन एक्स ओ वाई, ठीक है, माना एक्स ओ वाई कोई समतल है, ठीक है, तथा इसमें कोई कर्व ए बी है। इस प्लेन में कोई कर्व ए बी है, इस कर्व ए बी के ऊपर कोई कण गति कर रहा है, ठीक है। इस कर्व ए बी के ऊपर क्या कर रहा है, कोई कण गति कर रहा है, या ये सब कह सकते हो कि कोई कण मोशन में है, ठीक है, गतिमान अवस्था में है, ठीक है। तो देखना, यहां से ये कण क्या करेगा, ये पार्टिकल क्या करेगा, चलना प्रारंभ करेगा, ठीक है। इस पॉइंट ए से ये पार्टिकल चलना प्रारंभ करेगा। मान लेता हूं मैं टी समय पश्चात ये जो मेरा पार्टिकल है वो इस बिंदु पी पर पहुंच जाता है, ठीक है। तो एक्सो के सापेक्ष, मतलब ये एक्स एक्सिस के सापेक्ष और ये वाई एक्सिस के सापेक्ष हो गया, ठीक है। ये टी समय पर इस कण की स्थिति का है, बिंदु पी पर है। और डेल्टा टी समय में मैं मान लेता हूं इस कण की स्थिति बिंदु क्यू पर है, ये देखो, ठीक है। मैं मान लेता हूं यहां से यहां तक इसने जो डिस्टेंस तय की, जो दूरी तय की, वो कितनी है, एस है। इस प्रकार डेल्टा टी समय में कितनी हो जाएगी, डेल्टा एस हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहां से एक चीज, ये वाली डिस्टेंस में एक्स मान लेता हूं, ये वाली में वाई मान लेता हूं, इसी प्रकार। तो ये वाली इतनी इतनी कितनी हो जाएगी, जो ये वाली डिस्टेंस है ये हो जाएगी डेल्टा एक्स, और ये वाली हो जाएगी डेल्टा वाई। क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये एक्सो के सापेक्ष इसकी स्थिति हो गई, ठीक है। वाई एक्सिस और एक्सो के सापेक्ष हमने इसको दिखा दिया। बोलो ये बात समझ में आई होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखना वही चीज, अब मैं क्या कहूंगा, नाउ लेट या नाउ वेलोसिटी एट पॉइंट क्यू इन डेल्टा टी टाइम, डेल्टा टी टाइम। तो डेल्टा टी टाइम में क्या होगी इसकी वेलोसिटी, यानी कि ये इसने क्या किया, इतना इतना इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। तो विस्थापन यानी कि चेंज ऑफ रेट, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड वेलोसिटी, यानी कि विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, वेलोसिटी कहलाती है। तो डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, विस्थापन क्या है यहां, विस्थापन देखो वैसे बेसिकली हमने इसको डेल एस से दिखाया है, इसको डेल एस से दिखाया, लेकिन आप देखो ये जो कर्व है ये इस शेप में है, ये कर्व क्या है, इस शेप में है। तो ये सारे का इतना इतना पार्ट क्या हो जाएगा, इसकी कॉर्ड हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, कॉर्ड हो जाएगी, यानी कि जीवा हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, इसकी जीवा हो जाएगी, यानी कि आप इसको लिखोगे कॉर्ड पी क्यू बटे डेल्टा टी, ये क्या हो जाएगा, कोल्ड पी क्यू बटा डेल्टा टी, ये क्या होगी मेरी डेल्टा टी समय में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। क्लियर सभी स्टूडेंट को, यहां तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नाउ लेट, नाउ लेट वेलोसिटी एट पॉइंट पी इन टाइम टी इक्वल्स टू वी, ठीक है। देन v बराबर, मैंने क्या बताया था आपको लास्ट क्लास में, एक चीज बताई थी अगर आप सभी को ध्यान में हो तो, लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था कि आपको सबसे पहले एक अल्पांश लेना है, एक छोटा सा
हिस्सा लेना है, एक छोटा सा पार्ट लेना है, उस पार्ट की वेलोसिटी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कैसे, इस प्रकार से, ठीक है। तो इस पार्ट की ये विस्थापन है, विस्थापन कितना है इसमें, कॉर्ड पी क्यू ही तो है, ठीक है, विस्थापन कितना है, कॉर्ड पी क्यू है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो ये तो मेरे पास क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई डेल्टा टी समय में, डेल्टा टी समय में मेरे पास वेलोसिटी आ गई। अब कंप्लीट निकालनी है, तो कंप्लीट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, लिमिट दे दूंगा डेल्टा टी टेंस टू जीरो तक, तो मुझे कंप्लीट मिल जाएगी। देन तो मैंने क्या कहा, जैसे ही कंप्लीट निकालनी है आपको, डेल्टा टी टेंस टू जीरो कर दो, तो कोड पी क्यू बटा डेल्टा एस, ठीक है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? इसको आप ऊपर नीचे डेल्टा, इसको आप ऊपर नीचे डेल्टा टी है ये, इसको आप ऊपर नीचे डेल्टा एस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसको मैंने ऊपर नीचे डेल्टा एस से मल्टीप्लाई किया, तो देखना सर यहां से मेरे पास v बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो कोर्ड पी क्यू बट्टा डेल्टा एस, इस डेल्टा एस को इसके नीचे ले लिया और इस डेल्टा टी को डेल्टा एस के नीचे ले लिया, तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, यहां से इसको दो जगह लिख दो आप, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी एंड लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो कोल्ड पी क्यू बटा डेल्टा एस। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब इसका मान तो क्या हो जाएगा सर, एक हो जाएगा। एक कैसे होगा, क्योंकि ये कोल्ड, देखो ये कोर्ड की तो बात कर रहा है, कोर्ड पी क्यू, और इसमें किसका भाग लग रहा है, ये डेल एस का, और डेल एस भी क्या है, यहाँ कोर्ड पी क्यू को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल एस भी इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी एग्जैक्ट में कोर्ड पी क्यू भी देखा जाए तो क्या है, डेल एस ही तो है, तो डेल एस में डेल एस का भाग दोगे तो क्या मिल जाएगा, एक मिल जाएगा। यानी कि आप यहां लिख दोगे नीचे, सिंस लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो कोर्ड पी क्यू बटा डेल्टा एस बराबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ये एक यहां रखोगे तो आपको मिलेगा वी बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। जैसे इस पे लिमिट होगी, अप्लाई होगी, तो ये क्या बन जाएगा, पूरा डी एस बटा डी टी, यानी कि एस डॉट आ जाएगा, यानी कि जो वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी सर, एस डॉट आएगी। क्लियर सभी स्टूडेंट को? वेलोसिटी हमें क्या मिल जाएगी, एस डॉट मिल जाएगी। प्लेन के अंदर किसी कर्व के लिए जो वेलोसिटी हम निकालते हैं वो इस प्रकार से निकालते हैं। यहां तक समझ में आया होगा। अब ये तो बात हुई सर किसकी, ये तो बात हुई इस प्लेन में पूरी की पूरी वेलोसिटी की, ठीक है। पूरी वेलोसिटी आ गई, पूरी का मतलब ये पूरे इस कर्व की, कर्व के ऊपर जो कण मतलब भाग रहा है, जो कण गति कर रहा है, उस कण की इस कर्व के लिए आ गई, एक्सो के सापेक्ष नहीं आई। मुझे तो क्या निकालना है, एक्सो के सापेक्ष निकालना है, यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल निकालना है, यही तो कहा इसने। और ये चीज एस डॉट बोल दो या एक्स डॉट बोल दो, एक ही तो बात है, ठीक है। एक्स डॉट तो अपनी कहां आई थी, एक्स डॉट अपनी आई थी एक सरल रेखा के अंदर, और एस डॉट अपनी क्या आई है, एक प्लेन के अंदर आई है। बस इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो ये काम तो हम पहले भी कर चुके हैं, एक बार मैं दोबारा इस चीज को रिपीट करने की तो जरूरत भी नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये चीज सेम चीज अपन ने लास्ट क्लास में की है कि भाई साहब अपने पास एक प्लेन है, इस प्लेन में कोई कर्व हमें दिया हुआ है, इस कर्व के ऊपर कोई कण मोशन में है, कोई कण गति कर रहा है, मान ला इसका प्रारंभिक बिंदु इनिशियल पॉइंट क्या है, ए है, ए से ये चलना प्रारंभ करता है, टी समय में ये बिंदु पी पर पहुंच जाता है, और इस दौरान इसने जो दूरी तय की वो कितनी की, एस की, माना डेल्टा टी समय में इसकी स्थिति कहां हो जाती है, बिंदु क्यू पर हो जाती है, और बिंदु क्यू तक आने में इसने कितना दूरी तय की, डेल्टा एस दूरी तय की, तो इस डेल्टा टी समय में इसका वेग कितना होगा, डेल्टा सी समय, मतलब एक बहुत ही अल्पांश, कल वो जो एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास में, एक बहुत ही अल्पांश को उठा लो, अल्पांश में समय का भाग दे दो, समय का भाग दे दो कि तो आपको क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी। तो ये वेलोसिटी हमें फाइंड हो गई, ये कितना विस्थापन हुआ, कोर्ड पी क्यू, ये क्या होगा, कोर्ड पी क्यू विस्थापन हुआ, इसमें डेल्टा टी का समय का भाग दे दिया, तो मुझे क्या मिल गई, वेलोसिटी। कंप्लीट निकालना है, कंप्लीट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो कर दूंगा, तो मुझे कंप्लीट मिल जाएगी। इसके बाद में मैंने क्या किया, ऊपर नीचे डेल्टा एस से गुणा कर दिया, तो लास्ट में मुझे ये फाइनल ये रिजल्ट मिल गया, ठीक है। इसका मान एक कैसे हुआ बता दिया, डेल एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोर्ड पी क्यू को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मान बेसिकली क्या हो गया, एक हो गया। तो आपको लास्ट में फाइनल वैल्यू क्या मिल गई, डीएस अपॉन डीटी मिल गई, यानी कि एस डॉट आपको मिल गया। आपका ये डेरिवेशन यहां कंप्लीट अभी हुआ नहीं है, अभी तो हमने क्या निकाली है, सिर्फ इस पार्टिकल की इस कर्व के लिए क्या निकाली है, वेलोसिटी निकाली है, लेकिन मुझे एक्सो के सापेक्ष निकालनी है। तो देखना आगे बढ़ते हैं,
नाउ वेलोसिटी इन या नाउ वेलोसिटी पैरेलल टू एक्स एक्सिस के सापेक्ष, यानी कि इसको एक्स एक्सिस के सापेक्ष में इसको वी एक्स से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। तो वी एक्स बराबर एक्स एक्सिस के सापेक्ष देखनी है। अब मुझे वापस इस डायग्राम पे आओ, जो डायग्राम हमने बनाया था यही था, ये बिंदु पी पर ये कण पहुंचा था, फिर डेल्टा टी समय में बिंदु क्यू पर पहुंचा था, तो ये देखो और ये देखो। अब इसको ध्यान से देखने पे मुझे एक चीज पता चल रही है, ठीक है, या आप इसको यहां से ना बढ़ा के यहां पर भी बढ़ा सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। ये एक सरल रेखा ही तो है, ये क्या है, एक सरल रेखा ही तो है, स्ट्रेट लाइन ही तो है, आप एक्स एक्सिस के पैरेलल निकाल रहे हो, तो ये क्या है, एक सरल रेखा ही तो है सर, ये क्या है, एक सरल रेखा ही है, और सरल रेखा के लिए अपन लास्ट क्लास में निकाल चुके हैं। तो यहां से वी एक्स बराबर मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट एक्स मानूं और ये डेल्टा टी समय में डेल एक्स मानूं, तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो ये कितना हो जाएगा, डेल एक्स अपॉन डेल टी, जैसे ही लिमिट अप्लाई होगी तो वी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा, बराबर एक्स डॉट, आप इसको लिख सकते हो। ये चीज समझ में आई होगी आपको, इस बार एक्स एक्सिस के पैरेलल देखना है, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल देखना है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ये वाला हो गया, विस्थापन कितना हुआ, एक्स हुआ, डेल्टा टी समय में कितना हुआ, डेल्टा एक्स हुआ, ठीक है। वापस ये जो कल वाली क्लास में जो पहला आर्टिकल हमने किया था रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर, यानी कि सरल रेखीय गति के अंदर हमने इस चीज को पढ़ा था, सरल रेखीय गति में अपन ने यही चीज पढ़ी थी, तो वही है। अब इसी प्रकार सिमिलरली वेलोसिटी पैरेलल टू y एक्सिस के पैरेलल अपने को वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो सर vy से इसको रिप्रेजेंट कर दो, लिमिट ले लो, लिमिट डेल्टा t टेंस टू जीरो कर दो, ठीक है। अब देखो इसमें विस्थापन, मतलब ये यहां एक बार चीज देखने वाली चीज है कि ये कण जो है ना वो आगे भी बढ़ रहा है और ऊपर भी जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब x एक्सिस में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ऊपर जा रहा है मतलब y एक्सिस में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक का विस्थापन मैं y मानूं और डेल्टा t समय में मैं विस्थापन कितना मानूं, डेल्टा y मानूं, तो डेल्टा t समय में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, सर डेल्टा y बटे डेल्टा t हो जाएगी। कंप्लीट निकालनी है मुझे वेलोसिटी इस पॉइंट p के ऊपर, पॉइंट p के ऊपर निकालनी है, तो मैं क्या कर दूंगा, लिमिट डेल्टा t टेंस टू जीरो कर दूंगा, और साथ में क्या आ जाएगा, डेल्टा y बटे डेल्टा t, यानी कि इसको लिख सकते हो आप dy / dt बराबर y डेट डॉट, यानी कि सर आपको किस प्रकार से रिजल्ट मिला, vx बराबर तो आपको मिला x डॉट एंड vy बराबर आपको मिला सर y डॉट। कहानी समझ में आई यहां तक की, कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है, क्योंकि यहां तक कुछ भी नहीं दिया हुआ था आपको, वो जो पीछे वाला डेरिवेशन है उसी को हमने काम में लिया है, उठाया है, ठीक है, उसी को हमने उठाया है। तो यहां से रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, v बराबर अंडर रूट एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर, मतलब इसका दो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यही क्या होगी, इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, या फिर v बराबर आप अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, वी एक्स स्क्वायर मतलब एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर, ये आपको क्या मिल जाएगा सर, v का मान मिल जाएगा, ठीक है, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी होती है। तो ध्यान रखना किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए ये फॉर्मूला आपको काम में लेना है, ये याद रखना है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। किसी भी प्लेन के अंदर जो वेलोसिटी होगी वो किस प्रकार से फाइंड की जाएगी, इस प्रकार से फाइंड की जाएगी, इसको फाइंड करने का ये तरीका होता है, ठीक है। आई थिंक ये वाला डेरिवेशन भी सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। अब आपको ध्यान में याद क्या रखना है, कंप्लीट जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होती है वो तो होती है अंडर रूट एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर, ये कैसे निकाली जाती है, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वी बराबर वी एक्स आई केप प्लस वी वाई जे केप, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, वी बराबर अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, इसी प्रकार तो निकालते हो, तो इस प्रकार से इसको निकाला जाता है, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी सभी स्टूडेंट को। आगे बढ़ते हैं अपन, इसी में आप बात करते हैं एक्सीलरेशन की,
तो इसी में बात करते हैं अपन, यानी कि त्वरण की, वापस अपने उस डायग्राम पे चलते हैं। ठीक है, ये अपना कोई कण क्या कर रहा था, गति कर रहा था, सॉरी ये कोई कर्व था ए बी, इस कर्व पे कोई कण यहां से चलना प्रारंभ करता है, यहां से कोई कण प्रारंभ करता है चलना टी समय में, मैं मान लेता हूं इस बिंदु पी पर पहुंच जाता है, और डेल्टा टी समय में ये इस बिंदु क्यू पर पहुंच जाता है। क्लियर सभी स्टूडेंट को, यहां से ये चलना प्रारंभ किया, चलता गया चलता गया चलता गया, यहां तक पहुंच गया, यहां तक पहुंचने में मान लो किस वेग से पहुंचा, वेग तो हमें पता चल गया, तो मैं मान लेता हूं यू वेग से ये यहां तक पहुंच गया। ठीक है, किस वेग से पहुंचा, यू वेग से पहुंचा, डेल्टा टी समय में मैं इसका वेग मान लेता हूं डेल्टा यू। ठीक है, डेल्टा टी समय में वेग कितना माना मैंने, यू माना, तो यहां से देखना ये ले लो ये आ गया। ठीक है, इनको आगे बढ़ा दिया। ठीक है, अब यहां से देखना तो एक्सीलरेशन तो क्या हो जाएगा सर, देखना एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले डेल्टा टी समय में, ठीक है, तो डेल्टा टी समय में कितना हो जाएगा, डेल्टा टी समय में होगा इस समय में वेग में परिवर्तन कितना हुआ, डेल यू हुआ, तो वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाता है। ठीक है, अब कंप्लीट टी समय में निकालूंगा, टी समय में निकालूंगा तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, ए बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल यू अपॉन डेल टी, तो ए बराबर कितना हो जाएगा सर, डी यू अपॉन डी टी। क्लियर सभी स्टूडेंट को, क्या हो जाएगा, डी यू अपॉन डी टी हो जाएगा। अब वहां अपन ने यू बराबर कितना निकाला था, डी एस अपॉन डी टी निकाला था, तो वो यहां रख देता हूं, तो मैं डी टू एस अपॉन क्या हो जाएगा सर, डी टी स्क्वायर, यानी कि एस डबल डॉट ए बराबर, ये क्या आ गया, इसके लिए त्वरण आ गया। ठीक है, ये इसके लिए एक्सीलरेशन आ गया। तो आई थिंक इन वाले अब चीजों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, अरे वेग अनुप्रस्थ वेग यानी कि ट्रांसवर्स वेलोसिटी और रेडियल वेलोसिटी, उनमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं कोई डाउट नहीं होगा, ये चीज बेसिक से इसीलिए आपको पढ़ाई गई है। ठीक है, कई बार इनसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, ये ए बराबर कितना आ गया, एस डबल डॉट, नाउ एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन या इन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसको लिख दो, मैं ए एक्स से लिख देता हूं, वो क्या होगी, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। ठीक है, अब यहां तक मैंने यू माना। अब देखो इसी प्रकार इस एक्स एक्सिस के पैरेलल जो वेग में परिवर्तन होगा डेल्टा टी समय में, वो मैं मान लेता हूं, जैसे उसको कुछ भी मान लो आप, इसको सीधा लिख देता हूं मैं डेल्टा वी एक्स मान लो, तो वी एक्स अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो लिमिट अप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, डी वी एक्स अपॉन डी टी, और वी एक्स का मान कितना था, वी एक्स का मान था डी एक्स अपॉन डी टी, तो डी एक्स अपॉन डी टी यहां रखोगे तो ए एक्स बराबर डी अपॉन डी टी, और डी एक्स अपॉन डी टी बराबर कितना हो जाएगा, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, यानी कि एक्स डबल डॉट, तो ए एक्स बराबर कितना आ गया सर, एक्स डबल डॉट आ गया, यानी कि x डायरेक्शन में जो त्वरण होगा वो कितना होगा, x डबल डॉट होगा। सिमिलरली नाउ एक्सीलरेशन, नाउ एक्सीलरेशन इन y एक्सिस, यानी कि y डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन होगा उसको किससे डिनोट करेंगे, ए वाई से, तो वो क्या होगा, लिमिट डेल्टा t टेंस टू जीरो डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा t, लिमिट लगाओगे तो ये हो जाएगा डी वी वाई अपॉन डी टी, वी वाई का मान कितना था, डी वाई बाई डी टी, तो ए वाई बराबर डी अपॉन डी टी, एंड डी वाई बाई डी टी, तो ए वाई बराबर हो जाएगा सर डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, यही क्या करना था आपको, फाइंड करना था। ठीक है, तो ए एक्स का मान तो कितना आया, एक्स डबल डॉट, इसको भी आप क्या लिख सकते हो, एक्स वाई डबल डॉट लिख सकते हो। ठीक है, ये आपकी एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में क्या आ गई, एक्सीलरेशन आ गया। ठीक है, वेलोसिटी पहले निकाल चुके हैं, जो क्या है, एक्स डॉट और वाई डॉट, ये क्या आएगा, एक्स डबल डॉट और वाई डबल डॉट आएगा। ठीक है, अब रिजल्टेंट एक्सीलरेशन की बात करूं, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन, तो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन यानी कि परिणामी त्वरण, परिणामी त्वरण, उसको लिख दो ए से, तो ए बराबर अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर,
तो ए बराबर हो जाएगा सर अंडर रूट एक्स डबल डॉट स्क्वायर प्लस वाई डबल डॉट स्क्वायर। ये क्या होगा सर, अपना फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अपना फाइनल आंसर होगा। तो आई होप आपको ये वाला डेरिवेशन, ये वाला पार्ट कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। आगे हम चलते हैं, आगे हम बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चंस का पार्ट लेते हैं आप। ठीक है, अब चलते हैं अपन क्वेश्चन के पार्ट के ऊपर। ए पार्टिकल इज एक्ट ऑन ए पार्टिकल एक्ट बाय ए फोर्स पैरेलल टू द एक्सिस of y whose acceleration is lambda y whose acceleration is lambda y parallel to the axis of y whose acceleration is lambda y and is initially projected with velocity a under root lambda parallel to the axis of x at the point where y बराबर a prove that it will describe a catenary। ठीक है, तो देखना इसको करते हैं प्रूफ, इसको प्रूफ करते हैं। पहले इसका एक बार जो क्वेश्चन दिया हो उसको मैं हिंदी में रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई कण है, ठीक है, कोई कण है, वो किसी, मतलब वो क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, एक्ट कर रहा है, मतलब गतिशील अवस्था में कोई कण है जो क्या है, जिसका जो एसिलेशन है, जिसका त्वरण है, वो वाई एक्सिस के सापेक्ष कितना है, वाई एक्सिस के सापेक्ष है लेमडा वाई। ठीक है, वाई एक्सिस के सापेक्ष है लेमडा वाई, यानी कि आपको दिया हुआ सर डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर लेमडा वाई। एक कंडीशन तो आपको ये दी हुई है, उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, ये नेक्स्ट कंडीशन कह रहा है और इसकी जो वेलोसिटी है एक्स एक्सिस के सापेक्ष वो कितनी है, एक्स है, यानी कि डी एक्स अपॉन डी टी बराबर आपको कितना दिया हुआ है, ए अंडर रूट लेमडा दिया हुआ है। क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये दो चीज दी हुई है। साथ ही ये क्या कह रहा है कि ये कॉन्स्टेंट है, यानी कि x एक्सिस के सापेक्ष इसका जो एसिलेशन होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, ये चीज हमें पता है। तो देखना सिंस, तो मुझे बताना है कि इसका जो पथ होगा, जो ये चल रहा है, ये जो कण जो चल रहा है, कण जो गतिमान अवस्था में है, इसका पथ कैसा होगा, इसका पाथ कैसा होगा, वो एक कैटेनरी होगा। अब कैटेनरी क्या होता है भाई साहब, तो कैटेनरी के बारे में समझना, कैटेनरी किस प्रकार का एक पथ बनाती है, कैटेनरी एक पथ बनाती है। जैसे मतलब आपने मतलब खंबे देखे होंगे, आपने खंबा कौन सा, अरे जो बिजली वाले लाइट वाले खंबे होते हैं ना, उल्टा बना दिया क्या, लाइट वाले खंबे किस प्रकार से होते हैं, ये 3D में दिखाया और नहीं जा रहा, ऐसे मान लो। ठीक है, ये लाइट वाले खंबे इसी प्रकार से होते हैं, ये तार वायर जा रहे हैं,
ठीक है, इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो दो खंभों के बीच में जो वायर लटका होता है, वायर ऐसे ही तो लटका होता है दो खंभों के बीच में, इस प्रकार से देखो ये दो खंभे, इनके बीच में ये वायर इस प्रकार से ही तो लटका होता है, इसी प्रकार से होता है। तो वो शेप किसकी होती है, वो ये वाली शेप ही किसकी होती है सर, कैटेनरी की होती है। ये वाली शेप किसकी होती है, कैटेनरी की होती है। या फिर आप गार्डन में जाते हो, ठीक है, गार्डन में जाते हो तो जैसे यहां ऐसे ये मतलब छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं, ये इस प्रकार से पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं, आप गार्डन में गए, एक लाइन में लगे हुए हैं सारे के सारे, ठीक है, एक लाइन में सारे के सारे ये पेड़ लगे हुए हैं। यहाँ इनके सुरक्षा के लिए बाहर एक जाल सा लगा होता है जिसपे इस प्रकार से साइड में ये खंभे से लगे होते हैं, और एक सांकल जिसको आप बोलते हो वो इस प्रकार से बंधी होती है। आपने देखा होगा ये चीज, इनके सुरक्षा के लिए बाहर जो सुरक्षा जाल बनाया जाता है वो इसी प्रकार से रहता है, सांकल लटकी होती है, लोहे की जो, उसको आप क्या बोलते हो इंग्लिश में, जो भी है लोहे की जो, जो मान लो आप लोहे की रस्सी मान लो लोहे की, ठीक है, आयरन की, वो इसी प्रकार से तो लगी होती है, ठीक है, सांकल जिसको बोलते हैं लोहे की, वो इस प्रकार से इन खंभों के बीच में लटकी होती है, ठीक है, इन खंभों के बीच में लटकी होती है। तो वो जो शेप बनती है, वो शेप बनती है, वो शेप ही क्या कहलाती है, आपकी कैटेनरी कहलाती है। यानी कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि सर आपके पास जो पार्टिकल मूव कर रहा है, गति कर रहा है, वो इस प्रकार से कर रहा है, इस प्रकार से वो कण क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ये शेप किसकी होती है, कैटेनरी की होती है। ये शेप किसकी होती है, इस प्रकार से वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, यानी कि ये शेप किसकी होती है, कैटेनरी की होती है। और कैटेनरी का जो समीकरण होता है वो होता है वाई बराबर ए कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए। ये क्या होता है, कैटेनरी का समीकरण होता है। कहने का मतलब है हमें इन चीजों को यूज में लेना है, ठीक है, इन चीजों को हमें काम में लेकर चलना है, काम में लेकर चलते हुए हमें क्या निकालना है, हमें यह समीकरण लेके आना है, ठीक है, इन दो चीजों का यूज करते हुए मुझे यह समीकरण निकालना है। अगर यह समीकरण मुझे मिल जाता है तो मैं क्या कहूंगा कि इस कण का जो पथ है वो कैसा है, एक कैटेनरी है, ठीक है, इसका पथ कैसा होगा, एक कैटेनरी होगा। तो चलते हैं भाई साहब इस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन करते हैं। तो देखना इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सिंस एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या होगा, यानी कि ए एक्स बराबर क्या होगा, जीरो होगा, अर्थात आप इसको लिख सकते हो डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को, क्योंकि एक्स एक्सिस डायरेक्शन में कोई अपने पास त्वरण नहीं है, ठीक है, तो वाई डायरेक्शन में क्या होगा, ए वाई बराबर, इसको कैपिटल लेकर चलो क्योंकि ए कॉन्स्टेंट वहां लगा हुआ है, इसको कैपिटल ले लो, कैपिटल वाई, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है, लेमडा वाई दिया हुआ है। अब मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सोल्व करने की कोशिश करता हूं, इसको थोड़ा सोल्व करने की कोशिश करता हूं, तो मैं क्या करता हूं, इसको टू डी वाई बाई डी टी से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मल्टीप्लाई बाई टू डी वाई बाई डी टी ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ टू डी वाई बाई डी टी से मल्टीप्लाई कर दो, तो टू वाई डी वाई बाई डी टी और डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर टू वाई डी वाई बाई डी टी, तो टू लेमडा वाई इंटू वाई कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर और डी वाई बाई डी टी। क्लियर सभी स्टूडेंट को, इससे मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखना यहां से मैं इस चीज को किस प्रकार से लिख सकता हूं, मैंने इसको टू वाई डीवाई बाई डी टी इससे मल्टीप्लाई करना है, टू वाई डीवाई बाई डी टी से मैंने क्या कर दिया, इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर सभी स्टूडेंट को, यहां से आगे देखना, एक सेकेंड, टू वाई से मत करो, टू डीवाई बाई डी टी से ही करते हैं, ठीक है, तो
ये हो जाएगा आपका। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब देखो मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, डी अपॉन डी टी और डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर बराबर, इसको मैं लिख सकता हूं लेमडा डी अपॉन डी टी वाई स्क्वायर। बोलो इस टर्म को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। देखो इसका वापस ओपन करो, इसका मतलब हुआ डी वाई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, इसका टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो आपको मिलेगा टू डी वाई बाई डी टी और फिर डी वाई बाई डी टी का डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर, इसका देखो वाई स्क्वायर का हो जाएगा टू वाई और लेमडा ऐसा का ऐसा फिर वाई का डी वाई बाई डी टी। देखो ये वाली समीकरण मुझे वापस मिल रही है। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि अब मैं इसका इजीली इंटीग्रेशन कर सकता हूं। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड इंटीग्रेशन, ठीक है इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है तो इंटीग्रेशन करोगे तो सीधा सीधा दिख रहा आपको, ठीक है इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा इसका डी अपॉन डी टी हट जाएगा, तो ये तो हो जाएगा डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर। जब भी इस कंडीशन में होता है इंटीग्रेशन तो करना आता है ना, जब भी अवकलन हो रहा है तो अवकलन जो डिफरेंशिएशन हो रहा है, डिफरेंशिएशन क्या होता है हट जाता है। ठीक है इंटीग्रेशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन क्या होता है हट जाता है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो ये बच जाएगा, यहां से लेमडा वाई स्क्वायर प्लस सी बच जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये एक समीकरण हमारे पास आ गई। क्लियर सभी स्टूडेंट को? नाउ एक पॉइंट मुझे दिया हुआ था, एट पॉइंट वेयर वाई बराबर ए, नाउ एट वाई बराबर ए, ठीक है वाई बराबर ए की बात करता हूं। ठीक है तो वाई बराबर ए, तो यहां से मुझे डी वाई बाई डी टी क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। ठीक है वाई बराबर ए पर डी वाई बाई डी टी, ये दोनों कंडीशन में इस ऊपर वाली समीकरण में काम में लेता हूं और इस कॉन्स्टेंट का मान निकाल लेता हूं। ठीक है तो यूजिंग, इसको मैं इक्वेशन नंबर एक नाम दे देता हूं, यूजिंग अबोव कंडीशन इन इक्वेशन फर्स्ट, ये कंडीशन में इस इक्वेशन फर्स्ट में काम में लेता हूं तो डी वाई बाई डी टी तो मेरे पास जीरो है बराबर इसका मान मेरे पास ए है तो लेमडा ए स्क्वायर प्लस सी, तो यहां से सी बराबर माइनस का लेमडा ए स्क्वायर मेरे पास बच जाएगा। क्लियर? ये सी का मान मैं यहां पुट कर देता हूं तो देखना डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर बराबर लेमडा वाई स्क्वायर माइनस लेमडा ए स्क्वायर, लेमडा दोनों में से कॉमन आ रहा है तो यहां से देखना लेमडा कॉमन ले लो तो लेमडा को बाहर लिख दो, तो यहां से डी वाई बाई डी टी बराबर मुझे मिलेगा अंडर रूट लेमडा वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको समीकरण नंबर दो नाम दे दो। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखना, सिंस डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर क्या है? जीरो है, इसका कर दो इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करोगे तो हमें मिलेगा डी एक्स अपॉन डी टी बराबर कोई कॉन्स्टेंट, ठीक है कोई कांस्टेंट मिलेगा, और ये क्या है? ये वेग ही तो है, एक्स एक्स डायरेक्शन में क्या है? वेग है, और एक्स डायरेक्शन में वेग हमें क्या दिया हुआ है? ए अंडर रूट लेमडा दिया हुआ है, तो मैं यहां से डी एक्स अपॉन डी टी मेरे पास क्या आएगा? ए अंडर रूट लेमडा आएगा। आपको ये चीज करने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो सिंस गिवन दैट या गिवन दैट इन वेलोसिटी इन एक्स एक्स डायरेक्शन, ठीक है आप यहां से ये काम में ना लेकर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो गिवन दैट, नाउ गिवन दैट वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी दी हुई है मुझे? ए अंडर रूट लेमडा दी हुई है। दोनों में से कोई भी तरीका काम में ले सकते हो आप, क्योंकि ये क्या है? कॉन्स्टेंट है। ठीक है जैसे ही आप डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर जीरो का इंटीग्रेशन करते हो तो आपको क्या मिलता है? डी एक्स अपॉन डी टी मिलता है, आपको क्या मिलता है? डी एक्स अपॉन डी टी मिलता है, और डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है? एक्स एक्स डायरेक्शन में क्या होता है? वेलोसिटी होती है, वेग होता है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? इसको दे दो समीकरण नंबर तीन नाम। नाउ इक्वेशन टू बाई थ्री, दो और तीन को डिवाइड कर दो। जब भी पथ निकालना होता है, ध्यान रखना, जब भी पथ निकालना होता है या पाथ निकालना होता है तो क्या करते हैं? इस टी को रिमूव करते हैं। टी कैसे रिमूव होगा? अगर मैं इसके अंदर इसका भाग दे दूं तीन का तो डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा। तो देखना डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी
बराबर अंडर रूट लेमडा वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए अंडर रूट लेमडा। ठीक है, तो अंडर रूट लेमडा से अंडर रूट लेमडा हट गया, तो यहां से डी टी से डी टी हट गया, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर मेरे पास बचेगा सर अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए। क्लियर सभी स्टूडेंट को? आगे बढ़ते हैं, इधर से मिटा देता हूं अब। तो देखना ए उधर चला जाएगा, तो ए डी वाई बाई डी एक्स बराबर अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डी एक्स को उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो ए अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी वाई बराबर डी एक्स। क्लियर? अब कर दो इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन करोगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कोस इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स वाई अपॉन ए। ठीक है, तो ए तो ऐसा का ऐसा, इसका हो जाएगा कोस इनवर्स हाइपरबोलिक वाई अपॉन ए बराबर एक्स प्लस सी, पहले कॉन्स्टेंट ले लिया, अब कॉन्स्टेंट ए ले लो। ठीक है, अब क्या ले लो, कॉन्स्टेंट ए ले लो। नाउ वही कंडीशन वापस काम में ले लो, नाउ एट वाई बराबर ए, वाई बराबर एक की बात करते हो तो एक्स का मान यहां आपको क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। ठीक है, एक की बात करते हो एट वाई बराबर ए, वाई बराबर एक की बात कर रहे हो मतलब वाई डायरेक्शन में ही जा रहे हो, वाई डायरेक्शन में जा रहे हो तो एक्स का मान क्या ले लोगे यहां, जीरो। ठीक है, तो ये कॉन्स्टेंट जब ये कंडीशन जब मैं इसमें काम में लेता हूं तो यहां से देखो ए ए अपॉन ए, ए अपॉन ए कोस इनवर्स वन, कोस इनवर्स वन का मतलब जीरो, तो जीरो बराबर एक्स का मान जीरो, तो ए बराबर जीरो। ठीक है, तो ए का मान जीरो वहां रखोगे तो आपको मिलेगा ए कोस इनवर्स हाइपरबोलिक वाई अपॉन ए बराबर ए। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये कंडीशन आपको यहां से मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, ठीक ए नहीं एक्स, ठीक है ये क्या मिल जाएगा आपको, x मिल जाएगा। ठीक है, a तो जीरो हो गया, अब यहां से देखो a को उधर भेजो तो मिलेगा आपको cos इनवर्स हाइपरबोलिक y अपॉन a बराबर x अपॉन a, cos को उधर भेज दो तो y अपॉन a बराबर cos हाइपरबोलिक x अपॉन a, a को उधर भेज दो तो y बराबर a cos हाइपरबोलिक x अपॉन a। ये समीकरण किसकी होती है, केटनरी की होती है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको ये चीज बता दी थी, स्टार्टिंग में मैंने आपको ये चीज बता दी थी कि केटनरी की समीकरण क्या होती है, तो ये अपने पास आंसर आ गया। अतः आप क्या कह सकते हो, इस ये कण जो गतिमान है, जो कंडीशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग ये कौन सा पाथ बनाएगा, ये एक केटनरी बनाएगा, यही हमें सिद्ध करना था। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इन टाइम टी इज एक्स बराबर ए कोस टी वाई बराबर बी साइन टी, वाई बराबर बी साइन टी, देन फाइंड नंबर एक वेलोसिटी, नंबर दो एक्सीलरेशन, नंबर तीन पाथ। ये बोल रहा है कि किसी समय t पर एक कण की स्थिति x बराबर a cos t y बराबर b sin t है। ये क्या कह रहा है कि किसी समय t पर किसी कण की स्थिति x बराबर a cos t और y बराबर b sin t है, तो आप इसकी वेलोसिटी, इसका एक्सीलरेशन और इसका पाथ बताओ। ठीक है, तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखना, अब इसकी स्थिति x y कोऑर्डिनेट में दे रहा है, ठीक है, एक्स और वाई के रूप में दे रहा है, इसका मतलब कण जो है वो प्लेन में गति कर रहा है, ये तो पता चल गया। तो हमें सबसे पहले निकालनी पड़ेगी वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। तो सिंस मुझे दिया हुआ है एक्स बराबर ए कोस टी एंड वाई बराबर बी साइन टी, तो देखना वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन जो क्या होगी सर,
डी एक्स अपॉन डी टी होती है, ठीक है। तो डी एक्स अपॉन डी टी मतलब इसका आप क्या कर दो, अवकलन कर दो, जो क्या होगा माइनस का ए साइन टी होगा। सिमिलरली वाई डायरेक्शन में निकालोगे तो डी वाई अपॉन डी टी बराबर बी कोस टी हो जाएगा। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी सर, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, v बराबर अंडर रूट, ये क्या होता है x डॉट, ठीक है, और ये क्या होता है y डॉट, ठीक है, वो होता है x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर। तो v बराबर x डॉट का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर मतलब a स्क्वायर साइन स्क्वायर t प्लस इसका स्क्वायर मतलब b स्क्वायर कोस स्क्वायर t। ये क्या आ गया सर मेरे पास, वेलोसिटी आ गई, ठीक है। एक्सीलरेशन निकालता हूं तो सबसे पहले मुझे x डबल डॉट चाहिए, तो x डबल डॉट बराबर डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस का a cos t, और साथ ही y डबल डॉट बराबर डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर यहां से ये क्या हो जाएगा माइनस का b sin t। तो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, a बराबर अंडर रूट, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, ए बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। अब इधर चलो, इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो वाई स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी की जगह मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या हो जाएगी इसकी रिजल्टेंट एक्सीलरेशन हो जाएगा, ठीक है। नंबर तीन, इसका पथ पूछा है, नंबर तीन कंडीशन हमें क्या पूछी है, इसका पाथ पूछा है। पाथ पूछा है इसका मतलब मुझे इस टी को उठाना है, इस टी को हटाना है। तो देखना मैं क्या करता हूं, इसको समीकरण नंबर एक नाम देता हूं, इसको समीकरण नंबर दो नाम देता हूं। तो बाय इक्वेशन एक प्लस दो, एक और दो को जोड़ दो, ठीक है। मुझे जो दिया था इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। तो मुझे रिजल्ट क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। क्लियर, ये कहानी मेरे पास आ गई। मैं इसको चेंज कर लेता हूं, देखना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं वन माइनस कोस स्क्वायर टी। बी स्क्वायर को अंदर ले जाओ तो ये बी स्क्वायर, ठीक है। इसमें से आप कोस स्क्वायर टी कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और कोस स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर सभी स्टूडेंट को, यहां से कोस स्क्वायर टी की जगह मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर टी। मैंने क्या किया, ए स्क्वायर को नीचे भेज दिया तो कोस स्क्वायर टी की वैल्यू मिल गई। ये कोस स्क्वायर टी की वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये टी यहां से हट गया, टी यहां से हट गया, मतलब मुझे पाथ मिल गया। लेकिन इस समीकरण को देखने पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि यह समीकरण कैसी है, ठीक है, किस चीज की समीकरण है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा और सॉल्व करता हूं। इसके लिए मैं क्या करता हूं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर देखो कैंसिल हो गया। क्लियर सभी स्टूडेंट को, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। ए स्क्वायर एलसीएम लेके उस तरफ भेज दो, ठीक है, या देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर उड़ा दो, ठीक है। ये कहानी समझ में आई। अब ए स्क्वायर को एलसीएम ले लो, ए स्क्वायर को एलसीएम लोगे तो ये भी यहां ए स्क्वायर और ये स्क्वायर, इधर बच गया वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को इधर ले आओ तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको भी इधर ले आओ प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर ए स्क्वायर। पूरी समीकरण में बी स्क्वायर ए स्क्वायर का भाग दे दो तो यहां से ए स्क्वायर से ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे बी स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर वन। यहां से देखो बी स्क्वायर कैंसिल, यहां से ए स्क्वायर कैंसिल, तो पहले इसको लिख दो आप एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस फिर इसको लिख दो आप
वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर वन। और ये समीकरण किसकी है सर? ये समीकरण इलिप्स की है, यानी कि आपका जो कण, जो स्थिति उस कण की है, उस कण की स्थिति के अनुसार वो कौन सा पथ बना रहा है? वो बना रहा है आपका इलिप्स बना रहा है। और एक चीज दोस्तों, आपने इंटीग्रेशन वाला पार्ट जब पढ़ा था कैलकुलस के अंदर, कैलकुलस के अंदर लास्ट क्लास में, पिछली क्लास जो भी आपने क्लास पढ़ी थी उसमें आपके इंटीग्रेशन का पार्ट आया था, उसमें बहुत जगह इंटीग्रेशन, कैलकुलस में जो इंटीग्रेशन का पार्ट है उसमें बहुत जगह इलिप्स आया था। और इलिप्स की बिंदु के जो निर्देशांक हम लिखते हैं x x कोऑर्डिनेट में, जो इलिप्स के निर्देशांक लिखते हैं वो हम क्या लिखते हैं? यही लिखते हैं, x बराबर a cos t, y बराबर b sin t, ठीक है, यही लिखते हैं। अगर आपने पढ़ा हो तो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर, जहां भी आपके आया था, फर्स्ट ईयर में आया होगा, ठीक है, आपके फर्स्ट ईयर में इंटीग्रेशन का पार्ट आया था, उसमें आपने ये चीज पढ़ी है, ठीक है, कि आपके जो इलिप्स के जो किसी बिंदु के निर्देशांक होते हैं, किसी बिंदु की जो स्थिति होती है वो क्या होती है? एक्स बराबर ए कोस टी, वाई बराबर बी साइन टी। इससे ही क्या दी जाती है? उसके किसी बिंदु की स्थिति दर्शाई जाती है इन निर्देशांकों से। तो ये देखते ही आपको ये पता चल जाना चाहिए था कि ये किसके कोऑर्डिनेट है। ये आपको कोऑर्डिनेट जो दिख रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट इलिप्स के हैं। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। तो ये कहानी समझ में आई होगी सभी स्टूडेंट को। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसके। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका। कुछ ऐसा सा ही क्वेश्चन है ये दिया हुआ, द पोजिशन ऑफ ए पॉइंट, द पोजिशन ऑफ ए पॉइंट एट टाइम टी इज गिवन बाय एक्स बराबर ए कोस ओमेगा टी, एक्स बराबर ए कोस ओमेगा टी, वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी, फाइंड इट्स पाथ, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमने, ठीक है, वही तीन चीज फाइंड करनी है, ठीक है, सॉल्यूशन देखना। सिंस मुझे क्या दिया हुआ, एक्स बराबर ए कोस ओमेगा टी एंड वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी, ये दिया हुआ है, क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहां से देखना, पहले मुझे पाथ निकालना है। मैं मुझे क्या करना है, पाथ निकालने के लिए मुझे ये टी को रिमूव करना है। तो मुझे एक चीज दिख रही है, अगर मैं स्क्वायर करके जोड़ता हूं तो ए स्क्वायर कॉमन आके साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी क्या बन जाएगा? वन बन जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको समीकरण नंबर एक, इसको समीकरण नंबर दो। तो समीकरण एक का स्क्वायर प्लस समीकरण दो का स्क्वायर, तो देखना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। दोनों में से क्या कर लो आप, ए स्क्वायर कॉमन ले लो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉमन लूंगा तो मेरे पास बचेगा कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसका मान क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सर, वन हो जाएगा। और ये किसका इक्वेशन है, ये सर्किल का इक्वेशन है, यानी कि इस पथ की जो स्थिति, इस कण की जो स्थिति है वो कैसी है, सर्कलाकार है। नंबर दो कंडीशन आती है इसमें, मुझे निकालनी है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होगी, एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो पहले एक्स डॉट निकालो यहां से, तो एक्स डॉट क्या होगा, माइनस का ए साइन ओमेगा टी और साथ में इनटू ओमेगा। इसी प्रकार वाई डॉट क्या होगा, ओमेगा ऐसा का ऐसा ए कोस ओमेगा टी, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ूंगा तो मेरे पास आएगा ए ए स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। यहां से ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो तो मेरे पास बचेगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर
साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी। क्लियर सब स्टूडेंट को, इसका मान क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, यानी कि v बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, अंडर रूट जब हटाओगे तो क्या मिलेगा आपको, a ओमेगा मिलेगा। ठीक है, v बराबर क्या मिलेगा दोस्तों आपको, a ओमेगा मिलेगा, यानी कि आपकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आपको मिलेगी वो कितनी मिलेगी, a ओमेगा मिलेगी। सिमिलरली आपको रिजल्टेंट एक्सीलरेशन चाहिए, तो यहां से x डबल डॉट निकालूंगा तो x डबल डॉट हो जाएगा माइनस का a ओमेगा, ऑलरेडी एक ओमेगा और आएगा तो a ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा t, एंड y डबल डॉट मिलेगा, a पहले से है और साथ में कॉस का माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। रिजल्टेंट क्या होगा, ए बराबर अंडर रूट एक्स डबल डॉट स्क्वायर प्लस वाई डबल डॉट स्क्वायर, तो ए बराबर यहां से देखो स्क्वायर करो तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर ओमेगा की पावर फोर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर ओमेगा की पावर फोर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्लियर, यहाँ से ए स्क्वायर ओमेगा की पावर फोर कॉमन ले लो तो ए स्क्वायर ओमेगा की पावर फोर कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी और पूरे के अंडर रूट। ठीक है, तो ए बराबर इसका मान एक हो जाएगा तो अंडर रूट ए स्क्वायर ओमेगा की पावर फोर। ठीक है, इसको कैपिटल ए से डिनोट कर दो क्योंकि एक ए पहले से है। ठीक है, इसको कैपिटल ए से डिनोट कर दो तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए ओमेगा स्क्वायर। ये क्या होगा, इसका रिजल्टेंट एक्सीलरेशन होगा और ये क्या होगी, इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आपका और कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चन के साथ ही, इस वाले क्वेश्चन के साथ अपना जो मैकेनिक्स की ये वाली एक्सरसाइज है ये भी कंप्लीट होती है। ठीक है, ये वाली जो है आपकी एक्सरसाइज वो कंप्लीट होती है। ठीक है, आगे अपना नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी, मतलब अर्य और अनुप्रस्थ वेग व त्वरण। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी। ठीक है, यानी कि अर्य तथा अनुप्रस्थ वेग। ठीक है, और इसी में दूसरा पार्ट आता है अर्य तथा अनुप्रस्थ त्वरण, यानी कि रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन, ये अपना नेक्स्ट पार्ट आता है। ठीक है, ये अपना नेक्स्ट पार्ट आता है और बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे इस यूनिट का महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक चीज में आप सभी को क्लियर कर देता हूं कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम के जो मैकेनिक्स के नोट्स हैं वो आपको हिंदी मीडियम के ऑलरेडी प्रोवाइड हैं और मैकेनिक्स के भी प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। अपनी जो वेबसाइट है आई स्टडी ऑनलाइन का जो ऐप आपने ज्वाइन कर रखा है उसका जो ग्रुप है उस ग्रुप में आपको लिंक दिया हुआ है, वहां जाए वहां से आप अपने जो नोट्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, एकदम मिनिमल चार्ज में है। ठीक है, और एक चीज़ बता देता हूँ, आपके जितने भी जूनियर आपके जितने भी सीनियर हैं जो इस वक्त आपके साथ कॉलेज में तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ आप आई स्टडी ऑनलाइन ऐप को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी ये क्लासें कंटिन्यू रूप से अटेंड कर सकें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।